ये है गोरी मिट्टी। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं यहाँ पर गोरी मिट्टी माता रानी के दर्शन करने के लिए आया था। देख सकते हैं जी काफ़ी हाइट पे है, मुंगरी से लगभग ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ से आगे लड्डा रोड जाता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मैंने गाड़ी पार्क की है पीछे, और जहाँ तक रोड की फैसिलिटी पूरी है। अब मैं आपको दूसरी एरिया बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये जो नीचे को रोड जा रहा है, ये जा रहा है लड्डा को, और जहाँ से इधर को मुड़ोगे आप तो ये मुंगरी को रोड जाता है। ये जो रोड है, और गाड़ी मैंने जहाँ पर पार्क करी है, तो ये है माता रानी का स्थान। देखो कितना खूबसूरत है, और ये सबसे हाइट पर है। बल्कि दोनों ये जो गली है, गली के बीच में है। ऊपर का रास्ता जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे एक दिन का मेला भी लगता है, और ये काफ़ी पेड़ों के बीच में प्रसिद्ध है। काफ़ी खूबसूरत इलाका है, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कैसा है जहाँ पे। भाई जहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो देख सकते हैं आप। और गर्मियों के दिन में तो यहाँ पे काफ़ी नज़ारा आता है, और काफ़ी बहुत सारे टूरिस्ट जहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो काफ़ी खूबसूरत इलाका है जहाँ पे जो है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ जहाँ पे मेला कहाँ पे लगता है, वो स्थान भी दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस जहाँ से कांडरू माथा रास्ता जाता है, जहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लंबे लंबे काइल के पेड़ है जहाँ पे। तो काफ़ी ठंडी हवा चलती है जहाँ पे, गर्मियों के दिन में घूमने की बेस्ट जगह मानी जा सकती है पत्नीटॉप की तरह। ये भी देखिए वैसा ही है, जब जहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है, पत्नीटॉप के बराबर बर्फ जहाँ पे भी पड़ती है भाई गाइस, तो देख सकते हैं आप बजरंग वाली। गाइज आप देख सकते हैं इधर लगता है एक दिन का मेला, तो शायद यहाँ पे दंगल भी होता है। और देखो तो जहाँ पे मैंने कुछ टाइम मेडिटेशन किया तो काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।